आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जनवरी करंट अफेयर्स मैराथन ये पार्ट वन है इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के करेंगे आई होप आप मेरे साथ लाइव बने रहें और मैं भी आपके साथ लाइव बना रहा हूँ इनमें से किसने ले किया है फाउंडेशन स्टोन नेशनल इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स लैबोरेटरी का पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है इमेज में ही इसका आंसर है पीयूष गोयल अमित शाह नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह नन ऑफ दीस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी ने ले किया है फाउंडेशन स्टोन नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी का विच यूटी को रिसेंटली सेटअप किया गया है तमिल अकेडमी किस यूटी में सेटअप की गई है ताकि साउथ इंडियन लैंग्वेज और कल्चर यूटी में प्रमोट हो सके दिल्ली लद्दाख जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ नन ऑफ दिस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ डेली डेली गवर्नमेंट में ये सेट किया गया है तमिल लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये न्यूज़ तीन जनवरी दो हज़ार इक्कीस को प्रमोट हुई है और डेली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने ये सेटअप किया है एक ई कामर्स पोर्टल बनाए जिसने अनवील किया है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन जहाँ पे पचास हज़ार प्रोडक्ट्स खादी इंडिया के अवेलेबल होंगे होम अप्रैल से लेकर होम डेकोर तक सो उसका नाम है ई खादी इंडिया डॉट कॉम ई खादी इंडिया डॉट इन ई खादी इंडिया डॉट कॉम खादी इंडिया डॉट इन नन ऑफ दिस सो आपका आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज़ ए खादी इंडिया की ऑफिशियल ई कॉमर्स वेबसाइट है ई खादी इंडिया डॉट कॉम ये पब्लिश हुई है न्यूज़ चार जनवरी को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का शॉर्ट नेम है के वाई आई सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बैक किया है कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 12 एंटी रैमिंग पेट्रोल बोट्स जो कि पांगोंग लेक लद्दाख में डिप्लॉय होंगे चाइनीस एग्रेशन के लिए तो ये कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ए साठ करोड़ बी बासठ करोड़ सी सिक्सटी करोड़ डी सिक्सटी करोड़ ई नन ऑफ ननौतीस द करेक्ट आंसर इज बारह पेट्रोल ये है और आंसर है इसका डी पैंसठ करोड़ ये बारह एंटी रैमिंग पेट्रोल बोट्स हैं जो पांगोंग ये देख सकते हैं आप इसके अंदर ही डिप्लॉय की जाएंगी ताकि कोई भी चाइनीज एग्रेशन को ढंग से मैनेज किया जा सके रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने रिप्लेस किया है एशिया के रिचेस्ट पर्सन को बाय विच पर्सन सो आपने बताना है जोंग बिल गेट्स जेफ बेजोस जैक मा वन ऑफ दीस सो आपने काइंडली बताएं द करेक्ट आंसर इज़ मुकेश अंबानी इफ नो लॉन्गर इंडिया इज रिचेस्ट मैन ही इज़ बिन रिप्लेस बाय चाइनीज वुल्फ राइट सो द करेक्ट आंसर इज ए नाउ रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है फेब्रवरी के अंदर कि ही हैजीन अगेन बिकम द रिचे बिकॉज सम परसन हैज लॉस्ड दिस मैन हैज लॉस्ड अराउंड ट्वेंटी टू बिलियन डॉलर्स सो राइट नाउ द करेक्ट आंसर इज मुकेश अम्बानी इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस विच कंट्री टू बी द कोच इयर ऑफ आई यू सी एन सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप फॉर थ्री ईयर्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इंडिया किस कंट्री को रिप्लेस करके को चेयर बनेगी साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया जापान पोलैंड नन ऑफ दिस काइंडली आप आंसर बताएं ए बी सी डी ई द करेक्ट आंसर इज ए सो इंडिया को चेयर बनेगा इस रीजनल फोरम का ताकि वो कंजर्व कर सके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ए पी एपी में करेंटली कंसिस्ट करती है इक्कीस मेम्बर्स का सत्रह कंट्रीज हैं इसमें चाइना जापान साउथ कोरिया नेपाल भूटान श्रीलंका और बांग्लादेश भी इसमें आते हैं तो करेक्ट आंसर साउथ कोरिया साउथ कोरिया को रिप्लेस किया जाएगा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है कितने करोड़ का प्रोजेक्ट ताकि पांच मेजर पोर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें डिजिटल पोर्ट इको ये पोर्ट्स मुंबई चेन्नई दीनदयाल पैरादीप और कोलकाता में है तो काइंडली इसका अमाउंट बताएं 220 करोड़ 420 करोड़ 320 करोड़ 520 करोड़ नन ऑफ दिस ए बी सी डी द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज़ अ 320 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर फाइव मेजर पोर्ट्स टू एनेबल डिजिटल इकोसिस्टम लेट्स गो दट्स इंडिया अप्रैल नवंबर फिस्कल डिफिजिट

ये है आई डी बी आई बैंक आर बी एल बैंक कर्नाटका बैंक आई सी आई सी बैंक या नन ऑफ दिस सो काइंडली आप इसका आंसर बताएं ए बी सी डी ई तो द करेक्ट आंसर इज ए आई डी बी आई बैंक ने वीडियो डीओ के वाई सी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी ओपन की है सेविंग बैंक अकाउंट के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सो इसे आप कर सकते हैं इससे ओपन कर सकता है सेविंग बैंक अकाउंट आई डी बी आई बैंक के साथ फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ हिस और हर हाउस एज दे आर नो फिजिकल फॉर्म्स टू बी फिल्ड एंड नो विजिट्स टू बी मेड कौन से बैंक ने रिसेंटली साइन किया हंड्रेड मिलियन डॉलर लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि वो मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर सके पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एनहांस द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन बेंगलुरु सिटी ए है वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरनेशनल मोनिट्री फंड न्यू डेवलपमेंट बैंक या नन ऑफ दीज काइंडली आपका आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज बी एशियन डेवलपमेंट बैंक ये यू एस डी हंड्रेड मिलियन डॉलर लोन देंगे ताकि अपग्रेड हो सके पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेसकॉम को दिया जाएगा ये फाइव स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं कर्नाटका में पाब्लो सीजर जो कि किस कंट्री के हैं जिन्होंने फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल जूरी को हेड किया है ये गोवा में होता है प्रोग्राम इस बार ये हाइब्रिड तरीके से हुआ है यानी कि कुछ वर्चुअल और कुछ फिजिकल फॉर्म में हो पाया है कोविड के कारण सो आप बताएं आंसर इसका श्रीलंका ऑस्ट्रिया नेदरलैंड अर्जेंटीना नन ऑफ दिस कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं पाब्लो सीजर द करेक्ट आंसर इज़ अर्जेंटीना अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं अदर जूरी मेंबर्स हैं इसमें प्रसन्ना विंथेज ऑफ श्रीलंका अबू बकर साकी ऑफ ऑस्ट्रिया और प्रिय दर्शन ऑफ इंडिया रुबायत हुसैन ऑफ बांग्लादेश वेरी इंपॉर्टेंट किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लॉन्च पैड स्कीम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग कम्प्लीटेड एटीन ईयर्स जो अठारह साल से आ रहे हैं बाहर और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में हैं वो सेल्फ रिलायंट बन सकें करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा है इसमें से राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश नॉनवदेश ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली द करेक्ट आंसर इज सी मध्य प्रदेश ने ये लॉन्च किया लॉन्च पैड स्कीम ताकि यूथ सेल्फ रिलायंट बन सकें वेरी इंपॉर्टेंट ये फिफ्टी टू डिस्ट्रिक्स के अंदर ये लॉन्च की गई है और पाँच क्लस्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है इंदौर सागर ग्वालियर जबलपुर एंड भोपाल भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है तारन को तनहायू पास हुए रिसेंटली ये कौन सी कंट्रीज से थे कनाडा जापान स्वीडन जापान डेनमार्क नन ऑफ दिस ए बी सी डी ई द करेक्ट आंसर इज ए काइंडली आप इनके इस नाम से कंफ्यूज ना हो इन्हें जापानीज ना बनाए ये कैनेडियन एक्टर थे और ये हिंदी फिल्म बेला चियाओ के लिए फेमस थे कि ट्वेंटी सेवन ईयर्स में ही इनकी मृत्यु हो गई है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्टियथ इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू एंटार्टिका ने डिपार्ट किया है साउथ पोल के लिए कहाँ से वेस्ट बंगाल तमिलनाडु गोवा केरला नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ गोवा गोवा के मारमा गाँव पोर्ट से ये लोग गए हैं ये 43 थ्री मेम्बर्स ऑन बोर्ड थे और इन्हें जनवरी पाँच को दिया गया है इंडिया के दो स्टेशन हैं अर्नाटका में मैत्री और भारती और ये ऑपरेट होते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के अंदर ये आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से किसको मिला है माइग्रेंट वर्कर सेल को इनाग्रेट करने इनमें से किनको मिला है माइग्रेंट वर्कर सेल ऑफ सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इनाग्रेट करने का सम्मान ये उधाना बेस्ड आई लैब है इन सूरत में रमेश पोखरियाल नवीन पटनायक प्रताप चंद्र सारंगी धर्मेंद्र प्रधान या नन ऑफ दीज तो करेक्ट आंसर इसका डी है मेरे हिसाब से यस करेक्ट आंसर डी है इसका और इन्हें ये माइग्रेंट वर्कर सेल मिला है सूरत में ओपन करने का मौका इंडिया के फूड रेगुलेटर फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लान किया है रिड्यूस करना लेवल ऑफ ट्रांस फैट इन द फूड आइटम फॉर परमिसेबल लिमिट ऑफ फाइव परसेंट टू वाट परसेंट यानी कि पांच परसेंट से कम होकर फैटी एसिड का अब क्या परसेंटेज होगा वन परसेंट थ्री परसेंट टू परसेंट फोर परसेंट वन ऑफ दिस ए बी सी डी ई काइंडली आप आंसर बताएं तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज थ्री परसेंट सो द करेक्ट आंसर इज बी तीन परसेंट अब हो जाएगा ट्रांस फैटी एसिड्स सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो परसेंट हो जाएगा 2022 में सो so, इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि 2021 में तीन परसेंट और 2022 में इसे दो परसेंट कर दिया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हार्मफुल ट्रांसपेटी एसिड्स होते हैं मिटोलॉजिकल ऑब्जर्वटी ने अवार्ड किया स्टेटस सेंटीनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन का किस किसे किस स्टेशन को किया गया है अवार्ड क्योंकि ये हंड्रेड ईयर्स अबव ये मीट्रोलॉजिकल स्टेशन रह चुका है द आंसर इज पटना पुणे लखनऊ चेन्नई नन ऑफ दिस वॉट इज द आंसर द करेक्ट आंसर इज पटना पटना को सौ साल से ऊपर हो चुके हैं और इसे दिया गया ये सम्मान ये रहा देख सकते हैं आप बहुत ही बेसिक सी बिल्डिंग है बट इसे सम्मान बहुत बड़ा दिया गया 153 फिफ्टी थ्री ईयर ओल्ड पटना मेट सेंटर है ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिसने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पी एम जे वाई सेहत फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस यूटी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस इफ को टोक्योरेंस एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ऑफ दिस काइंड आप आंसर बताएं ए बी सी डी द करेक्ट आंसर इज बी बजाज अलायंस जनरल ने यह किया है और टोटल ऑफ 2.1 मिलियन फैमिली जो है कवर होंगी अंडर द सेहत स्कीम सेहत का मतलब है सोशल एंडेवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिस डॉक्टर रघुराम पिलरी सि नेम किया गया न्यू यॉनर न्यू ईयर ऑनर लिस्ट ऑफ क्यूमिन इज इज़ अबर टू कि क्या है इनकी क्या ऑक्यूपेशन है ही इज़ अ पेड्रियाटिक सर्जन ही इज अ न्यूरो सर्जन ही इज अ कार्डियोथेरिस्टिक सर्जन ही इज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन नन ऑफ दिस सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर डी ही इज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन और इन्हें अवार्ड दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्हें मिला है ओ बी ई ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया वर्ल्ड का फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर न्यू अति हरियाणा टू न्यू किशनगंज इन विच स्टेट किशनगंज किस स्टेट में आता है पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश नीस करेक्ट आंसर बताएं आप लोग सो द करेक्ट आंसर इज सी ये न्यू किशनगंज इन राजस्थान में किया गया है न्यू किशनगंज मैं इसमें गलत था न्यू किशनगंज इन राजस्थान के अंदर इसे किया गया है ये रेवाड़ी मादर सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर का पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ट्रेन कैरी करेगी तीन दस स्पीड कंटेनर इक्विलियन ट्रक्स जो कि दो सौ सत्तर हाईकैपेसिटी ट्रेलर ट्रक्स को कैरी करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी वेरी लॉन्ग ट्रेन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज करेगी फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इन्विट बाई मार्च ट्वेंटी वन फुल है इन्विट का इन्वेस्टमेंट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या नाइंडली आप आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पीपीपी फॉर्मेट में आती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि आप रोड बनाएं टॉल्स आप लोग लें पैसा आप लोग लगाएं हम आपको टॉल लेने की सहायता करेंगे या आप फंड लगाएं और हम आपको प्रॉफिट देंगे या इंटरेस्ट में छूट देंगे टैक्स में छूट देंगे लाइक like दैट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्लेम किया पावर जनरेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि कंस्ट्रक्ट होगा गांधी सागर डैम पर ओमकारेश्वर डैम पर सागर डैम पर इंदिरा सागर डैम पर या नॉर्थ ईस्ट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी ओमकारेश्वर डैम पर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा आप देख सकते हैं इमेज में ये हमारे फीडर ने डाली है बहुत अच्छी इमेज आप ध्यान से देख सकते हैं तो ओमकारेश्वर डैम पर होगा नर्मदा रिवर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अब किस बैंक ने साइन किया लोन एग्रीमेंट अप टू यू एस डी थ्री ट्वेंटी थ्री मिलियन डॉलर फॉर टू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक या नन ऑफ दिस काइंड आप आंसर बताएं सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जी ओ आई एंड एन डी बी तो जी ओ आई और एन डी बी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये एग्रीमेंट साइन किए हैं सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट इसमें है आंध्र प्रदेश रोड्स एंड ब्रिजेस रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये सोलह सौ किलोमीटर स्टेट हाईवे को डबल लेन बनाएंगे और सेकेंड प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये 1400 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रोड को डबल लेन करेंगे और डिलेपिडेटेड जो ब्रिजेज हैं उसको ठीक करेंगे किस कॉपरेटिव बैंक ने रिसेंटली फर्स्ट बना है वॉल्ट्री कन्वर्ट करने के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक अंडर द आर स्कीम ऑन टू द वॉल्ट्री ट्रांजिशन सो ये स्मॉल फाइनेंस बना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से इन स्मॉल फाइनेंस बैंक द करेक्ट ऑप्शन

शास्त्री हर्षा भोगले आर कौशिक राजन बाला नन ऑफ दिस का इंडिया पे आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने ये लॉन्च की है बुक जर्नी टू ट्रेव इन ऑस्ट्रेलिया ये 2018 की बुक है राइट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज 2018 में इंडिया पहली बार जीती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आर कौशिक ने इस बुक को लॉन्च किया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज है ऑफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ये सैनिटरी पैड फ्री देंगे हाई स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स स्टूडेंट्स को इन द स्टेट पंजाब हरियाणा केरला तमिलनाडु नन ऑफ दिस काइंडली आप आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज ए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये डिसीजन लिया है जस्टिस सुधांशु धुलिया अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट ऑप्शन ए गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑप्शन बी दिल्ली हाई कोर्ट ऑप्शन सी मुंबई हाई कोर्ट ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑप्शन ई नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ही इज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्हें परमानेंट जज बनाया गया था उत्तराखंड कोर्ट का और नवंबर वन 2008 मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल किस यूटी और स्टेट में लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर केरला दिल्ली महाराष्ट्र नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा एक्चुअली जम्मू कश्मीर के एल हैं तो जो भी स्कीम्स तो वो ज़्यादातर लॉन्च करते हैं वो जम्मू कश्मीर में ही होती है परसेंट जो पहले की स्कीम्स हैं जब ये मंत्री हुआ करते थे वो अलग बात है तो so, जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च की गई है सतर्क नागरिक किस स्टेट ने रिसेंटली साइन किया एम ओ यू विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ताकि ये हेल्प कर सकें स्टूडेंट्स और टीचर्स का ताकि इनकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव कर सके द करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ दीज ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड केरला नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज़ आंध्र प्रदेश सो आंध्रा गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है टाई अप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ ताकि इंग्लिश प्रोफिशेंसी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंक्रीज हो सके राइट वाई एस जगन रगन मोहन गै डेडी जी की जो गवर्नमेंट है रिफॉर्म लाई है एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने इंग्लिश एट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स में और सारे तेलुगु मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स बना दिया है और टीच करते हैं मदर टंगे तेलुगू एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश और तेलुगु दोनों समझाए जाते हैं ए माधवन पास अवे हुए रिसेंटली हुए हैं ये राइटर किस लैंग्वेज के थे तेलुगु ओडिया तमिल मराठी नन ऑफ so सो correct आंसर इज ही वॉज अ साहित्य अकेडमी विनर एंड अ नोटेड तमिल राइटर सो so ये एज रिलेटेड इलनेस के कारण खत्म हो गए हैं ही वॉज एटी सिक्स ईयर्स ओल्ड किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है फ़तेह वन गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ए कजाकिस्तान बी बांग्लादेश सी इंडोनेशिया डी पाकिस्तान ई e, नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान पाकिस्तान ने टेस्ट फायर किया है फतेवन गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है ये पब्लिश हुई न्यूज सात जनवरी दो हजार इक्कीस को राइटनल वॉरहेड डीप इन टू एनिमी टेरिटरी दे सकती हैं आप देख सकते हैं किस बैंक ने और इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस रुपए डेबिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बरोडा नॉन ऑफ दिस आप आंसर बताएं करेक्ट आंसर इज एस बी आई इन आईओ सी इन्होंने को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस रुपे डेबिट कार्ड इश्यू किया है कस्टमर एनी वे इन द कंट्री कैन गेट इट बाय विजिटिंग एस बी आई होम ब्रांच ये कॉन्टैक्ट लेस कार्ड है और ट्रांजेक्शन पांच हजार तक की जस्ट एक टैप से हो सकती है ये देख सकते हैं किस बैंक और नाब फाउंडेशन ने एंटर किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जहां पर वर्किंग कैपिटल देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो कि अकाउंट होल्ड करते हैं और अंडरटेक कर सकते हैं नबार्ड स्पॉन्सर्ड माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिंडिकेट बैंक इंडियन बैंक नन ऑफ दिसकाइनली आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज सी बी करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सी बी ओ आई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो इन्होंने वर्किंग कैपिटल देना है माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट जो कि नाबार्ड द्वारा स्पॉन्सर्ड है कौन से बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया अलायंस आईआईटी कानपुर के साथ एंड द फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट ताकि एक इनोवेशन सेंटर कर सकें डेवलप इन द इंस्टीट्यूट कैंपस ऑप्शनज आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नन ऑफ ईस्ट द करेक्ट आंसर इज पी एन बी और आई आई कानपुर ने सेटअप किया है जहाँ पे फिनटेक इनोवेशन सेंटर लाएंगे फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण है उसका इनोवेशन सेंटर यहाँ पे लाया जाएगा इसका एग्जाम्पल्स है फोन पे ATM, जो सक्सेसफुल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के सेटअप के उदाहरण है कौन सी कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है सिक्योरिटी काउंसिल चाइना जपान इंडिया पाकिस्तानी का इंडिया पर आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज इंडिया ये थ्री इम्पॉर्टेंट कमिटीज को चेयर करेंगी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूज दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एम्बेसडर हमारे टी एस तिरुमूर्ति ने आई ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है ताकि वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर सकें डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ऑप्शन ए है एन लिमिटेड ऑप्शन बी है एन लिमिटेड ऑप्शन सी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑप्शन डी है एनएलसी इंडिया लिमिटेड तो काइंडली आप आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज ए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि ये सपोर्ट कर सके NHPC एन को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में फॉर फाइव ईयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है न्यू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पाँच हजार आठ सौ एक करोड़ का किस स्टेट के लिए अंडर द एनुअल प्लान ऑप्शन ए है तमिलनाडु ऑप्शन बी है महाराष्ट्र ऑप्शन सी है केरला ऑप्शन डी है मणिपुर ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सेंटर ने किया है ये और नितिन गडकरी जी ने किया और ऑप्शन बी है इसका महाराष्ट्र के लिए किया गया है ये सो so, यहाँ पर हाईवेज के लिए ये दिया गया है फ्लिपकार्ट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लॉजिस्टिक स्किल्स सेक्टर काउंसिल ताकि एक सेटअप कर सके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच स्टेट कर्नाटका केरला तमिलनाडु झारखंड नॉर्थ ईस्ट काइंडली टेल मी द आंसर फोर्टीथ फ्लिपकार्ट ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द विदजिस्टिक स्किल्स सेक्टर काउंसिल किस स्टेट की तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज काइंडली आप बताएं आंसर इज ए तो फ्लिपकार्ट ने साइन किया है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ कर्नाटका सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दो अट जस्टिस हिमा कोहली हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू एज्यूम चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाईकोर्ट ए मध्य प्रदेश बी असाम सी तेलंगाना डी छत्तीसगढ़ ई नन ऑफ दीस तो जस्टिस हिमा कोहली कौन से स्टेट की फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो हिमा कोली फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शी वाज अपॉइंटेड एज द एडिशनल जज ऑफ द कोर्ट ऑफ डेली इन फॉलोइंग हजार छॉलोइंग ऑथर ऑफ द नोवल टाइटल राइट अंडर आर नोज, जयंत कुमार दास आर गिरिधरन सी विवेक दीप डी एच सुब्रमण्यम ई नफ दीज द करेक्ट आंसर इज बी ये आर ऑफिसर है और इन्होंने ये लिखी है ये लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स को ट्रैक करते थे इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन्होंने बुक निकाली है हु डन इट नोवल सो हु हैज डन इट एक्चुअली राइट किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग इन नवंबर 2020 हजार नामगढ़ गड्ढीचिरौली रामगढ़ यादगीर उड़ूपी नॉर्थ ईस्ट काइंडली आप आंसर बताएं द करेक्ट आंसर इज झारखंड का रामगढ़ ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट और ये गवर्नमेंट के नीति आयोग ने ये दी है रिपोर्ट राइट right? यादगीर सेकंड पे है गढ़चुरौली महाराष्ट्र जो कि नक्सल इन्वेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है ये थर्ड पे है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड करेगी बाय व्हाट परसेंट इन 2021? ट्वेंटी वन तीन परसेंट चार पॉइंट दो परसेंट पांच परसेंट चार परसेंट ऑफ दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फोर परसेंट इन सो एक्सपैंड करेगी गवर्नमेंट वर्ल्ड इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज कोविड के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट की थी खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस में जनरा, चारंगल भांगोर चितकन ननौती काइंडली आप ऑप्शन बताएं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डी तो ये चितकन में हो रहा है और ये जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर चितकन करवा रहे हैं सो फर्स्ट टाइम है कि ये करगिल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हो रहा है जम्मू कश्मीर में स्नो गेम्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं सो दैट वॉज ऑल फॉर नहीं देर आर सम सम्लाइज लेफ्ट क्लियर पोलोस फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल बन गई हैं इन अ मैन्स टेस्ट मैच शी इज़ फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन बावे नन ऑफ दिस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल बनी है इन अ मैंस टेस्ट मैच के अंदर

वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नन ऑफ दिस माई गैस इज ऑप्शन नंबर डी सो येस ही इज फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी एंड ही इज वॉज द ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास प्लेयर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया गया नेशनल स्टार्टिस्टिक ऑफिस द्वारा तो इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाई वॉट परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी करेक्ट आंसर इज सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ई फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं स्ली ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इंक्लूडिंग फ्ली सैनिटरी पैड फॉर गर्ल्स इन द स्टेट एंड डेडिकेटेड द मंथ ऑफ जनवरी टू द गर्ल चाइल्ड सो दिस का करेक्ट आंसर है पंजाब पंजाब ने पहला जो जनवरी का मंथ है वो तिया दियाँ लोहड़ियाँ करके सेलिब्रेट किया so, है सो ये चीज़ की गई है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे ऑफ डेली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिगिन हुआ है फ्रॉम विच सिटी मीरठ गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद सो so, इसका आंसर है दिल्ली वाराणसी जो ए, अपना ये है ये बिगिन हुआ है आपका ग्रेटर नोएडा से सी है यहाँ पे तो ये ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोज प्लान ऑफ डीवेस्ट कॉरिडोर जो है कनेक्ट करेगा दिल्ली को विद मेजर सिटीज़ लाइक मथुरा आगरा इटावा लखनऊ रायबरेली प्रयागराज भदोही वाराणसी एंड अयोध्या सो ये पूरा का पूरा यूपी जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा ये आप देख सकते हैं हाई स्पीड ट्रेन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है एडवर्स फाइंडिंग ऑफ द नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव के लिए कौन सी जो पर्सन है वो इसको हेड करेंगी प्रीति पंत अंकिता राजबुनो मधुबानी राठौर मनीका बजाज नन ऑफ दीस माई गेस्ट इज ए एंड द करेक्ट आंसर इज ए सो मनी प्रीति पंत इज़ गोइंग टू हेड इट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो अमंग फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन जो कि अप्रोक्सीमेटली है जे पी वाई थर्टी बिलियन डॉलर का सो so आप समझ सकते हैं जे पी वाई मतलब है जैपेज यन सो इसका आंसर डी जापैन है सो so, ये लोन देंगे अप्रोक्सीमेटली दो हजार एक सौ तेरह करोड़ का फॉर कोविड नाइन्टीन क्राइसिस रिस्पॉन्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज ने रेस किया है यू एस डी वन बिलियन फ्राम ग्लोबल डोनर्स ताकि ये फंड कर सकें वैक्सीनेशन कैंपेन्स अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन इन डेवलपिंग कंट्रीज इसके ऑप्शन हैं ए यूएसए बी यूनाइटेड किंगडम सी रशिया डी जापान ई ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन इज बी यूके यूएसडी वन बिलियन डॉलर रेस करेंगे कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इनमें से किसने टेक ओवर किया फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी आफ्टर द पेंटेगन क्रिएटेड द पोजिशन इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी अनुज मल्होत्रा राज अय्यर मनीष पाल अलोकनाथ सिंह नन ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन इज राज ही हैज़ राजयर दू एस आर्मीज़ फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है ये न्यूज़ पब्लिश हुई है आठ जनवरी दो हज़ार इक्कीस को किस कंपनी जो है वो रिसेंटली बनी है सेकेंड इंडियन कंपनी टू रीच द ट्वेल्व लाख करोड़ एम कैप मार्केट कैप इन्फोसिस आई बी एम विप टी सी एस वन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट द करेक्ट आंसर इज टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सेकेंड इंडियन कंपनी बनी है जो कि बारह लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है ये क्रॉस कर रही है सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग बैंक ने साइन किया है एग्रीमेंट इंडियन आर्मी के साथ ताकि वह बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके पर्सनल ऑफ़ द फोर्स को फेडरल बैंक आई सी आई सी आई बैंक येस बैंक एच डी एफ सी बैंक नन ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन इज ई तो नन ऑफ दीज है इसका ऑप्शन बंधन बैंक ने ये एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये बैंकिंग सर्विसेज आर्मी पर्सनल को प्रोवाइड कर सकें दो हजार इक्कीस नेशनल यूथ डे जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट हुआ जाता है तो so, इसका आंसर तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका आंसर है जनवरी 12 स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है उन्नीस से इंदिरा गांधी के टाइम से 1984 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कंसिस्टेंट एफर्ट्स द्वारा स्वामी विवेकानंद एक महान स्पिरिचुअल लीडर थे और उनकी याद में और उनके जन्म के युवक उत्साह को बढ़ाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है जो बाइडन ने किसे नॉमिनेट किया है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में सी लियम बर्न्स जो वॉल्श रो खन्ना डेविड एक्सल रॉड नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज यू एस करियर डिप्लोमैट विलियम बर्न इन ए सी आई ए चीफ बनाया गया राइट right? ये हेड है यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के राइट कौन से स्टेट रिसेंटली बिकम बन गए हैं फोर्थ स्टेट टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म आसाम सिक्किम मणिपुर त्रिपुरा नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज मणिपुर फोर्थ स्टेट बना है जिसने सक्सेसफुल्डरटेक किया है यू एल बी रिफॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिट टू ईज द वर्ल्ड ड्यूरिंग मेन्टोरेशन ऑफ वुमेन इन कंजेस्टेड स्लम्स एंड प्रोवाइड दम हाइजेनिक सैनिटरी फैसिलिटीज पीरियड रूम कौन से जगह पे सेट किया गया तमिलनाडु कर्नाटका महाराष्ट्र केरला नन ऑफ दीज काइंडली आप बताएं द करेक्ट आंसर इज पीरियड रूम ये महाराष्ट्र में सेटल किए गए हैं फॉर वुमेन एट पब्लिक टॉयलेट किस स्टेट ने कंसिडर किया है स्लीपिंग हाइड्रो पावर जॉइंट और ये इंडिया का प्राइम प्रोड्यूसर हो सकता है वेंडेनियम का ये हाई वैल्यू मेटल है जिसे स्ट्रेंदन के लिए यूज किया जाता है स्टील और टाइटेनियम को वेस्ट बंगाल झारखंड अरुणाचल प्रदेश केरला केला नॉर्थ ईस्ट द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल पुट्स इंडिया ऑन द वेंडेनियम मैप ये एक्चुअली यूज होता है फॉर स्टील एंड टाइटेनियम स्टील एंड टाइटेनियम आर बैक बोन ऑफ एनी नेशन एंड इफ दैट ऑल्सो कैन बी देन इट्स वेरी यूजफुल थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे आई विल कंटिन्यू द विदी थर्ड स्लाइड लेटर ऑन